सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनाम च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही की लाइव कक्षा संख्या 235 को पढ़ेंगे। 234 कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। 235वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। सभी कक्षाएं सभी के लिए निशुल्क यहां पर प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिए गए हैं, उनमें सभी कक्षाएं उपलब्ध हैं। आप जब चाहें तब अपनी सुविधा के अनुसार क्रमानुसार उन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। कोई भी कठिनाई आपको आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से एक शंका का निवारण किया था और कुछ सूत्र आपको पढ़ाए थे। एक ये सूत्र था, बोधा युधा नाश जनेंग प्रोद्रुश्रुभ्यो ने। दूसरा सूत्र था आपका, निगरण चलनार्थे भ्यश्च। एक ये सूत्र था आपका, ठीक है। ये दो सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब इसके आगे सूत्र है हमारा, सूत्र संख्या है प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 88वां सूत्र, ठीक है। 88वां सूत्र, आइएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कठिन सूत्र नहीं है। आणौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। अच्छा, सूत्र पढ़ देते हैं पहले। अणाव कर्म का चित्तावत कर्तिकात, ठीक है। क्या है अणाव कर्म का चित्तावत कर्तिकात। अणौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अकर्म का पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, चित्तवत कर्तृकात् पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, ठीक है। इसके अंदर ये आपके तीन पद हैं। समास इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसी में समास है। समास सभी पदों में समास है। देखिएगा अणु में समास क्या है, समास कहते हैं गुरुजी अणु इत्यत्र नई तत्पुरुषा, माने इसका विग्रह करेंगे न इणि ही अणु अणि ही और तस्मिन अणु, क्या करेंगे यदि आप विग्रह करना चाहेंगे तो न अणि ही अणि ही और तस्मिन अणु, ठीक है। तो ये हो गया आपका नई तत्पुरुष समासा। अकर्मकात में कहते हैं न विद्यते कर्मा यस्य सा अकर्मकः, तो यहां सह होगा, ठीक है, विसर्ग है। तस्मात अकर्मकात बहुव्रीहि समासा, माने जिसका जिस जिसका माने जिस धातु का कर्म नहीं है ऐसी धातु कहलाती है अकर्मक, तो ये बावरी समास हो गया। इसमें चित्तवान कर्ता यस्य स चित्तवत कर्तृकः तस्मात् चित्तवत कर्तृकात्। चित्तवान का अर्थ है चेतन, क्या चेतन,
चितवन, चेतन कर्ता वाली माने जिस धातु के अर्थ का कर्ता है, मन जिस धातु का प्रयोग करते हैं तो उसका जो कर्ता होता है वो जड़ भी हो सकता है चेतन भी हो सकता है। तो जिस धातु का कर्ता चेतन है, चित्त वाला है, चित्त माने चेतन, तो वो धातु कैसी कहलाई? चित्तवत कर्त्रिका, ठीक है, चित्तवत कर्त्रिका ये धातु कहलाई। माने चित्तवान कर्ता, माने चित्त वाला कर्ता है जिसका, ऐसी धातु क्या कहलाई? चित्तवत कर्त्रिका, तस्मा चित्तवत कर्तिका। ये भी बहुव्रीहि समास है। इसका अर्थ हुआ कि धातु कैसी होनी चाहिए, उस धातु का जो कर्ता है वाक्य में वो होना चाहिए चेतन, जड़ नहीं होना चाहिए, और साथ में अकर्मक होनी चाहिए। क्या? अकर्मक। और अणु कह रहे हैं, अणु माने इणिच से रहित, माने जब इणिच प्रत्यय नहीं आया है तब। ये मोटी मोटी तीन बातें आप इस सूत्र को समझने के लिए ध्यान रख लीजिए, ठीक है। माने जब इणिच नहीं आया है तब वो जो धातु, और कैसी? अकर्मक, जिसका कर्म नहीं है, और जिसका कर्ता चेतन है। ये तीन बात आप ध्यान रखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। कहते हैं इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से अणे है, और परस्मै पदम की अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक है। अर्थः अण्यन्तावस्थायां यो धातुरकर्मकः चित्तवत् कर्तृकश्च तस्मात् अण्यन्तात् परस्मै पदं भावति। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। कहते हैं कि अण्यंत अवस्थायाम यो धातु अकर्मक, माने ऐसी धातु जब उससे इणिच प्रत्यय नहीं आया है, हेतुमति से जो इणिच आता है वो जब नहीं आया है, उस अवस्था में वो धातु क्या है? अकर्मक, माने उस कर्म वाली नहीं है। और कैसी है? चित्तवत कर्तृकश्च, और साथ में ऐसी भी शर्त जोड़ दी कि वो उस कर धातु का कर्ता क्या होना चाहिए? चेतन। तो ऐसी अकर्मक अण्यंत अवस्था वाली चित्तवत कर्तृक वाली धातु, चेतनकर्ता वाली धातु से जब हेतुमति चे अणिच ले आएंगे तो उससे फिर अण्यंत से क्या आएगा? कहते हैं आत्मने पद होता है, हाँ परस्मयी पद होता है। क्या होता है? परस्मयी पद। ये कब के लिए है? जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तब इससे क्या प्राप्त था? स्वरित हिताह कर्त प्राय क्रिया फले, और उसके बाद में क्या था? अण्यंत से अणिचश्च। अणिचश्च सूत्र क्या कहता था? अण्यंत से यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनि पद होता है। तो इस प्रकार की धातु होगी तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो भी उससे क्या होगा? बोलो, अण्यंत से परस्मयी पद आएगा। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है अण्यंते। अण्यंते का अर्थ है जब इच धातु नहीं है तब। देखिएगा, आस्ते देवदत्ताया आस धातु है। बोलो क्या धातु है? आस धातु। इसका कर्ता कौन है? यहां पर देवदत्त। देवदत्त किसी चेतन व्यक्ति का नाम है, पुरुष का नाम है, वो चेतन है। और ये धातु कैसी है? आकर्मक है। इणिच नहीं आया है तब कैसी है? अकर्मक है। इणिच आने पर तो सभी धातु सकर्मक बन जाती है, ध्यान दिए। इणिच आने पर सभी धातु कैसी बन जाती है? बोलो, सकर्मक। तो ये कैसी धातु है? चित्तवत कर्ता व कर्ता वाली है, और क्या है? ये अकर्मक है। अब इस धातु से जब इणिच लाएंगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा? इस सूत्र से परस्मयी पद होगा यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो परस्मयी पद प्राप्ति था शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से, ठीक है। तो आप देखिए, ये तो अण्यंत अवस्था में हो गई है, अण्यंती है, अण्यंत अवस्था में। आशयति देवदत्तम, शाययति देवदत्तम। तो ये क्या है? अणिच आकर के इससे परस्मयी पद हो गया। यहां पर भी शिंग धातु से शेष, शिंग धातु के आकर्मक है, और
चित्तवान कर्ता वाली है, तो इससे भी क्या हो गया, अनिजंत होने के बाद परस्मै पद हो गया। माने देवदत्त को बैठालता है, देवदत्त को सुलाता है, क्या है, सुलाता है। विशेष कुछ नहीं है, यहाँ लिखा भी है, यह अनिच्छ का अपवाद सूत्र है, अर्थात अनिच्छ सूत्र से क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मने पद प्राप्त हो रहा था, तो इसने मना कर दिया, इन धातुओं से नहीं हुआ। अब आपको इसमें कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिद्धि बनाने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। ये आस धातु ले लिया आपने और हेतुमति चे अणिच आ गया आपका, अणिच का क्या ई बचा, ठीक है, और इसमें कुछ जरूरत नहीं है, गुण वृद्धि कुछ भी प्राप्त नहीं है इसमें, तो क्या बन जाएगा, धातु बन गई आपकी आसी। और इस सूत्र से परस्मै पद होकर के तिप ला करके कर्तरी शब से शपा करके गुण होकर के क्या बन जाएगा, आसयति बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से शायति, शायति में क्या करना है आपको, शायति में करना है शिंग धातु है शिवचा, और यहाँ पर एणिच का ई आ गया, और यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, अच्छोणति से क्या होगी बोलो, वृद्धि, अच्छोणति से वृद्धि होगी, तो वृद्धि क्या हो जाएगी इसको, आई ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर एचो यवायावा से क्या बन जाएगा, आय आदेश होकर के शाई, शाई बन गया, और इस सूत्र से परस्मै पद होकर के शप तिप आप करके क्या बन जाएगा, शायति बन गया, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। चलते अब आ जाइएगा आगे, आगे का सूत्र है आपका न पादम्यां यमां यसापारि मोहरुचि नृति वादा वासाः, ठीक है, इस प्रकार से पढ़िएगा आप इसको, ठीक है। न पादम्यां यमां यसापारि मोहरुचि नृति वादा वासाः, ठीक है, आइएगा पद अच्छे देख लीजिएगा, ना ये अव्यपद है, पादम्यांग यमांग या सपरे मोहा रुचि नृति वद वसा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतर, समास इसके अंदर है, समास सरल है, समास है, पाश्च दमिश्च आंग यमश्च आंग यशश्च परिमोहश्च रुचिश्च नृतिश्च वदश्च वश्च इति पादयाम पादम्यां यमां यस परिमोहरुचि नृति वद वह तस्मात् वसः, ठीक है, पूरा ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे शब्द है इसके अंदर, परंतु वचन एक वचन आ रहा है, तो अनेक पद होने पर भी एक वचन हो तो कौन सा समास हो जाता है, वो समाहार द्वंद्व हो जाता है, तो इसलिए समाहार द्वंद्व है ये, ठीक है। ये आपको यहाँ वस, वस है, वस धातु है, तो वस का जब हम वहां पर रूप चला रहे हैं एक वचन में, तो वह बनेगा सामान्य सा, ठीक, क्या बनेगा, वह बन गया है, ठीक है, वस का स को विसर्ग हो गया, तो ये एक वचन का पंचमी एक वचन, ये क्या है, प्रथमा एक वचन का रूप है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में वह बन रहा है पूरा मिला करके, वह और तस्मात वसाह, ठीक है, जैसे पयह बनता है, पयस का क्या बनता है, पयह बनता है। चलिएगा अब आइएगा अनुवृत्ति है इसके अंदर अणे हैं और परस्मै पदम के अर्थ बिल्कुल सरल है, कुछ कठिन नहीं है, अर्थ पा दमी आंग यमा आंग यस परिमोह रुचि नृति वद वस इत्येतेभ्यो अण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः परस्मैपदं न भवति।
पूर्वेण सूत्रद्वयेन अण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं विहितं तत प्रतिषिध्यते। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि एक तो देखिएगा पा धातु है, क्या पा धातु है, और एक है दम धातु दमी, और आंग पूर्वक यम, आंग पूर्वक यस, परिपूर्वक मोह रुचि नृति, परिपूर्वक मोह हो गई रुचि अकेली है, नृति वध अवश्य अकेली अकेली, इन धातुओं से, और ये धातु कैसी होनी चाहिए, अण्यंत होनी चाहिए, अणिच आ गया है इनसे तब, उनसे क्या है परस्मयी पद नहीं होता है, इनसे तो परस्मयी पद होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, हमेशा आत्मनी पद होता है अण्यंत से, ठीक है। कह रहे हैं कि इसको परस्मयी पद प्राप्त किससे था, परस्मयी पद प्राप्त किससे था, तो कहते हैं कि पूर्वेण सूत्र द्वयेन, इससे पहले के जो दो सूत्र हैं अभी बता दूंगा मैं, उनसे अण्यंत धातुओं से परस्मयी पद का विधान किया गया था, उसमें से कुछ इन धातुओं का, ये भी धातु उन्हीं के अंदर आ रही थी, तो इन धातुओं का निषेध कर दिया, इनको परस्मयी पद नहीं होता है, तो क्या होता है, इनको आत्मनी पद होता है, क्या होता है, इनको आत्मनिपद होता है अपने आप, किससे होता है, अणिचश्च से, यानी किससे होगा, अणिचश्च से होगा, तो प्रतिषिध्यते। उदाहरण दिया है ना, पाययते दमयति आयामयते आस आयासयते परिमोहयते रोचयते नर्तयते वादयते वासयते। सरल उदाहरण है, कुछ भी आपको कठिनाई नहीं है, कुछ एक आप दो सूत्र लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं अभी, अब देखिएगा इसमें से कुछ धातु, इससे पहले दो सूत्र थे आपका, एक तो ये सूत्र है, ठीक है, इस वाली धातु सूत्र से क्या था, परस्मयी पद कुछ धातुओं में परस्मयी पद प्राप्त था अण्यंत से, उसका निषेध कर दिया उन धातुओं से, और इससे पहले एक ये सूत्र था निगरण चलनार्थे भ्यश्च, ठीक है, बस ये तू इनमें से कुछ धातु वहां पर ग्रहण हो रही है, इन दो सूत्रों में से, दो सूत्रों से अण्यंत से परस्मयी पद का विधान किया था, तो कुछ धातुओं को मना कर दिया कि उनसे परस्मयी पद नहीं होता है, तो क्या होता है, अणिचश्च। ध्यान दीजिएगा, ये तो दोनों सूत्र हैं, ये क्या है, अणिचश्च के अपवाद हैं, क्या इसे अणिचश्च के अपवाद हैं, जब अणिचश्च ये अपवाद कर दिया और इनका भी अपवाद ये कर दिया, निषेध कर दिया, तो क्या है फिर इन धातुओं से अणिचश्च से क्या हो जाएगा, आत्मनिपद हो जाएगा, आत्मनिपद हो जाएगा, कब हो जाएगा, क्रिया का फल कर्ता को मिलता है वहीं पर होगा, ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो दोनों सूत्र हैं ये वाले, ये क्या है, क्रिया का फल कर्ता को मिले तब आत्मनिपद की प्राप्ति में परस्मयी पद कर रहे थे, तो इसीलिए ये सूत्र भी क्या है, ये सूत्र भी जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तभी आत्मनिपद परस्मयी पद का निषेध कर रहा है, और यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो इसको फिर शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, फिर अणिचश्च से ये सूत्र ने निषेध कर दिया, तो अणिचश्च से बाद में क्या हो गया, बोलो आत्मनिपद। चलिएगा, आप थोड़ा सा मैं आपको सहयोग दिलाता हूं सिद्धियों में। पायते लिखा हुआ है, ठीक है, पायते यहां पर कुछ ये सिद्धि गुरु जी ने दिखा दिए, पीछे परिशिष्ट में आप देख लीजिएगा, पायते माने पिलाता है, ठीक है, पिलाता है माने अपने लिए पिलाता है, कुछ अपने पक्ष में करने के लिए, अपने हां में हां मिलवाने के लिए कुछ पिलाता है, दूध आदि पिलाता है, जो भी पिलाता है, ठीक है। चलिएगा, इसमें क्या है, पा धातु है, भूपादयो धातवा हेतुमति चस्य अणिच आ गया, प्रत्यय परश्च से परे आ गया, और पा अणिच हो गया, ठीक है, ये ई बच्चा यहां पर। अब अंग के अधिकार में शा छा सा वा व्या वे पाम युक, ये सूत्र ये कहता है कि
पा धातु है यहाँ पर, ठीक है, ये शा है, छा है, सा है, हा हवा है, और ये वे और वे और ये पा धातु है। पा धातु को ऋच के परे रहते क्या हो जाता है, युक आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, युक आगम। तो पा को युक आगम हो गया, आद्यन को टकटक से वो अंत में हो गया, तो पा युक और ई का कित संज्ञा, ऊ कित संज्ञा या, तो क्या बना, पा ई ऐसा बन गया। सनाद्यंता धातवः से ये क्या है, अणिच की सनाद, अणिच सनादि प्रत्यय, तो सनाद्यंता धातवः सना धातु संज्ञा हो गई। आदि माने ये सूत्र लग कर के, आदि पूर्ववत जब सूत्र लग कर तथा, ये जो कैसी धातु है, निगरणार्थक है। क्या है, निगरणार्थक माने पीने वाली चीज का भी तो निगल जाता है, तो निगरणार्थक होने से क्या है, परस्मय निगरण चलनार्थे भैष्य सूत्र से परस्मय पद प्राप्त था, तो परस्मय पद की प्राप्ति में प्रकृत सूत्र ने माने इस सूत्र से परस्मय पद का प्रतिषेध हो गया। फिर आत्मनिपद किससे हुआ है, ऋचश्च से, ध्यान दे किसके, ऋचश्च से आत्मनिपद हो गया, तो आत्मनिपद कर्ता आ गया पाई, और कर्तरी शब्द शप आ गया, ये आ गया, और इसको गुण आदि होकर के आया, आदि होकर के क्या बन गया, पायते, ये बन गया बिल्कुल सरल, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, आगे आइएगा। इसी प्रकार से आयामयत उन्हें फैलाता है, अपने लिए कुछ फैलाता है, तो आंग पूर्वक यम धातु है, ये संज्ञा हो गई पूर्व सब सूत्र लग करके, और इणिच प्रत्यय आ गया, तो आ यम इणिच ई बचा। अब यहां पर इणिच के पर रहते इसको क्या हो जाएगा, यम के आ यकार के अतोपदाया से वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर के क्या बना, आ याम और ई। अब जो यम धातु है ये क्या है, घटादयो मिता, मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको सूत्र दिखाया है, ये धातु पाठ का सूत्र है, तो इससे क्या होगा, धातु पाठ के सूत्र से यम धातु की मित संज्ञा हो गई, मित ये मित हो गया, मित संज्ञा होने से क्या है, मिताम रस्व माने इणिच के परे रहते मित अंगों को क्या हो जाता, मित अंगों की उपधा को ह्रस्व हो जाता है, क्या हो जाता है, मित अंगों की उपधा को ह्रस्व हो जाता है, तो ये याम मित अंग है, इसकी उपधा आ को ह्रस्व हो गया, मिताम रस्व ह्रस्व। परंतु क्या है, फिर इसका निषेध का एक और सूत्र है, प्राप्त हुआ माने वर प्राप्त हुआ, अब क्या, परंतु धातु पाठ के एक सूत्र है यमो अपरिवेशणी माने यमो परिवेशणी माने परिवेशण से भिन्न अर्थ में यम धातु की मित संज्ञा नहीं होती है, अर्थात परिवेशण अर्थ में होती है केवल, यहां पर परिवेशण अर्थ है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, यम की इससे मित संज्ञा प्राप्त थी, तो इस सूत्र ने वहीं पर धातु पाठ का यह सूत्र है इसके नीचे इसने मना कर दिया कि यम की मित संज्ञा नहीं होती है अपरिवेशण अर्थ में, और केवल परिवेशण अर्थ में होती है, मित संज्ञा का प्रतिषेध होने से ह्रस्व भी नहीं हुआ, ये भी नहीं लगा इसमें, तो मित्र आ ही नहीं है, तो क्या बना, आयामी ऐसा बन गया। अब आयामी, अब ये धातु कैसी है, चलनार्थक है, तो निगरण चलनार्थी वैश्य से इसको आत्मनिपद प्राप्त था, परस्मय पद, तो इस सूत्र ने निषेध कर दिया, तो इणिचश्च से फिर आत्मनिपद हो गया, तो आत्मनिपद का ता आकर के शप आकर के क्या बन जाएगा, आ या गुण आदि होकर के आयामे आते आया या आया मयते, ये बन गया आपका, ठीक है, आया मयति। चलिए अब इसके आगे उदाहरण है आपका, मैं यही देख लेते हैं, हम पायते हो गया, आयामयते हो गया, दमयते है, अब दमयते का देख लेते हैं, ठीक है, दमयते का भी सरल है बिल्कुल, देखिए दमयते में कुछ भी विशेष नहीं है, केवल दम धातु है यहां पर, ठीक है, और इणिच आ गया, इणिच का ई आ गया,
यहाँ आतो पदाया से वृद्धि हो गई, आ हो गया दाम, ठीक है दामी बन गया। और दम की क्या है, जनी ज्री श्वक्नो सुरंज सुरंजो मंताश्चर्य अमंत है, माने दम ये धातु कैसी है अमंत वाली, इसकी मित संज्ञा हो गई, मित संज्ञा होने से मिताम रस्व से इसको रस्व हो गया द्वारा, वृद्धि होने के बाद फिर द्वारा रस्व हो गया, फिर द्वारा रस्व हो गया तो दम बन गया, क्या बना दम, दम और ई दमी। और फिर इस क्या दमन करना, और दमन करना ये इसको भी क्या है पूर्व सूत्रों से आत्मनिपद का जो प्राप्ति थी, ठीक है दमन करना, दमन करना तो दमन करना ये कैसी मुख्य रूप से अकर्मक धातु है और चेतन कर्ता वाली है, तो इसको अनाव कर्म का चित्तवत कर्तकात से आत्मने परस्मय पद की प्राप्ति थी तो इसने निषेध कर दिया, तो निचस्य से क्या हो गया आत्मने पद हो गया, आत्मने पद हो गया तो दामा यते यहाँ ता आ गया और शब का आ गया गुण आदि होकर के क्या बन गया दामा यते, ये बन गया। ठीक है चलिएगा ये हो गया आपका, आगे कौन से उदाहरण है आगे देख लेते हैं, बाकी के सरल है उसमें विशेष थे बता दिए, ऐसे ही ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आ या सयते आंग पूर्वक यश धातु है, यहाँ पर वृद्धि आदि हो जाएगी आप आराम से कर सकते हैं वही है। ठीक है तो ये यशु प्रयत्न प्रयत्न करना, तो ये भी क्या है ये अकर्मक है, तो इसमें क्या है इससे ऊपर वाले सूत्र में अणाव कर्म काचित वत कर्त का, ठीक है तो उससे क्या है अणाव उससे अणिंत वो क्या है ये अकर्मक है और चेतन कर्ता वाली है, तो उससे परस्मय पद प्राप्त था इसने निषेध कर दिया, इणिचस्य से आत्मनिपद हो गया। ऐसे ही परिमोहयते ये भी अकर्मक है, ठीक है पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था उसका निषेध कर दिया इससे फिर आत्मनिपद हो गया इणिचस्य से। रोचयते रोचयते ये भी कैसी धातु है, अकर्मक धातु है, ध्यान देंगे ये अकर्मक धातु है, तो यहां पर भी ऊपर वाले सूत्र से परस्मय पद का प्राप्ति थी उसका निषेध कर दिया फिर इससे आत्मनिपद हो गया। रुच धातु है यहां पर ध्यान देंगे क्या है रुच, और ये क्या है इणच का ई आ जाएगा गुण हो जाएगा रोची बन जाएगा आपका, रोची बन गया और फिर इणचस्य से आत्मनिपद हो जाएगा इससे निषेध होने के बाद। ठीक है ऐसे ही नर्तयते, नर्तयते में क्या है नर्तयते में ये है नृत्य, ठीक है ये नृत्य और इणच का ये आ गया यहाँ पर क्या हो गया गुण हो गया उगंत लघु पदस्य चसे क्या हो गया गुण हो गया क्या बन गया ऐसी बन जाती है नर, और यहाँ पर क्या है ये दंता हो जाता है इसको संधि है जो सूत्र है अचोराभ्याम द्वे आठवें अध्याय में अचोराभ्याम द्वे, अचोराभ्याम द्वे से क्या है रेप से उत्तर ए और रेप से माने अच से उत्तर जो रेप से उत्तर जो ये ता है ता को दो बार ता हो गया तो नर्ती ऐसा बन गया, यहाँ पर आप दो ता देख रहे हैं वो संधि से हुआ है अचोराभ्याम द्वे सूत्र से हुआ है। ठीक है नर्ती बन गया, अब नाचना ये कैसी है चेतन कर्ता वाली है और अकर्मक है इसलिए अनंत अवस्था में इसको ऊपर वाले सूत्र से परस्मय पद की प्राप्ति थी इस सूत्र ने निषेध कर दिया तो अणिचस्य से क्या हो गया आत्मनिपद हो गया पूर्वत तो क्या बन जाएगा नर्तयते। वादयते वद है बोलना, ठीक है वादयते तो यहां पर भी ये बोलना है चेतन कर्ता वाली है मुख्य रूप से और चेतन कर्ता के साथ साथ में ये क्या है आपको यहां अकर्मक लिए वदते वदती वदती माने कुछ आध्वनि करता है ऐसा अर्थ आएगा यहां मुख्य रूप से। ठीक है तो यहां ये भी अकर्मक लेकर के यहां पर भी पूर्व वाले सूत्र से आत्मनिपद क्या परस्मय पद की प्राप्ति थी तो इसने अण्यंत से क्या कर दिया आत्मनिपद। यहां पर ये वद धातु है आपकी वद और निचकाई या आत्मपदाया से वृद्धि हो जाएगी वादी बन जाएगा ये और फिर पूर्वत कर लीजिएगा आप। ठीक है ऐसे ही वस धातु है वस ये भी अकर्मक है चेतनकर्ता वाली है। ठीक है चेतनकर्ता वाली है तो ये भी आपकी क्या बन जाएगा इसका यहां से निषेध होकर के
अणिचश्य से आत्मनेपद हो जाएगा, पूर्व सूत्र से इसमें परस्मै पद की प्राप्ति थी। तो मित्रों ये तो आपका ये हो गया, ठीक है। आपको अब आपको स्वयं ये समझना है, समझना आपको है, ठीक है। मैं तो आपकी सहायता करूंगा, आप सहायता करूंगा। अब आपका पीछे का बैकग्राउंड अच्छा है तो आप आराम से समझते जाएंगे, परंतु यदि नहीं अच्छा तो भी आपको कम से कम 50% तो समझ में आएंगी चीजें, 50% तो चीजें आएंगी आपको समझ। यदि आप आरंभ से पढ़ रहे हैं और आपको कुछ थोड़ी सी पीछे की कक्षाएं कमजोर है, फिर भी आपको 50% चीज समझ में आएंगी मोटा मोटा। अब फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि निगरण चलनार्थे भ्यश्च और ये अणाव कर्म का चित चित्तवत कर्तृका, ये दोनों सूत्र किसके अपवाद है? इणिचश्च सूत्र के। इणिचश्च सूत्र से क्रिया का फल कर्ता को मिलता है, तब इणिंत धातुओं से आत्मनेपद का विधान किया गया है। तो अब क्रिया का फल कर्ता को मिले ऐसी इणिंत धातु इन सूत्रों में जो पढ़ी है उनसे आत्मनेपद नहीं होता, क्या होता? परस्मै पद। इणिचश्च के दोनों अपवाद हुए। अब इनमें से कुछ धातुओं को मना इस सूत्र ने कर दिया कि इनको परस्मै पद नहीं होता है। कुछ धातु ऊपर वाले सूत्र की है, कुछ धातु इसी सूत्र की है, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तका से। तो दोनों में इन धातुओं को निषेध कर दिया, तो फिर सब में आत्मनेपद किससे हुआ है? बोलिएगा किसमें किससे हुआ है? इस सूत्र से हुआ है, ऋचश्च से, इससे हुआ है आत्मनेपद सब में, ठीक। बस इतना ही इसका सार है। चलिएगा आइएगा, सूत्र है आपका मित्रों वाक्यशः, वाक्यशः वा अव्यपदम, यशः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति इसमें परस्मै पद की आ रही है, ठीक है। अब आपको ये बता दिया जाए ये क्या है, क्यश एक प्रत्यय है। अभी मैं सूत्र दिखाऊंगा आपको, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का एक सूत्र है, उसमें क्या है, ये क्यश प्रत्यय है। उस क्यश प्रत्ययांत से ये सूत्र कार्य करता है, ठीक है, ये सूत्र कार्य करता है। अर्थ सरल है, अर्थात क्यशंतात् धातु वा परस्मै पदं भवति। क्यश प्रत्ययांत जो भी धातुएं हैं, धातु अर्थात क्यश प्रत्ययांत, जैसे सन प्रत्ययांत धातु होती है, अणिच प्रत्ययांत धातु होती है, वैसे क्यश प्रत्ययांत भी धातु होती है। तो क्यश प्रत्ययांत जो धातु होगी उससे विकल्प करके क्या होगा, बोलो, परस्मै पद। ये जो सूत्र है ये क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो चाहे नहीं मिलता हो इससे कोई लेना देना नहीं, ये केवल देख रहा है क्यश प्रत्यंत कोई भी धातु होगी उससे विकल्प करके परस्मै पद होता है। क्या प्राप्त था इसको? इसको नित्य परस्मै पद की प्राप्ति थी। ध्यान दीजिएगा, किसी से? शेषात कर्तरी परस्मै पदम से नित्य परस्मै पद की प्राप्ति थी। इस सूत्र ने कह दिया नहीं कि विकल्प से परस्मै पद होगा और इसी सूत्र से ही क्या होगा, आत्मनेपद होगा। ध्यान देंगे, यहां लिखा नहीं है, यहां लिखा तो परस्मै पद है परंतु इसी सूत्र से ही आत्मनेपद होगा और कोई सूत्र नहीं है आत्मनेपद का, आत्मनेपद करने का कोई सूत्र नहीं है। यही विकल्प से परस्मै पद करेगा और यही विकल्प से क्या करेगा, आत्मनेपद। बस इतना समझ लेना है। ऐसा आप कहें कि आत्मनेपद किसी दूसरे से हो रहा है, नहीं, इसी से आत्मनेपद हो रहा है और इसी से परस्मै पद हो रहा है। मुख्य रूप से ये परस्मै पद करने के लिए नहीं है, ये आत्मनेपद करने के लिए है, ठीक है।
तो अब हमको इसका अर्थ लगाना है कि ये सूत्र आत्मनिर्भर करता विकल्प से और परस्मै पद करता है, ठीक है। आइएगा उदाहरण है लोहितायत, लोहितायति लोह लोहितायते पटपटायति पटपटायति, ठीक है। चलिएगा सिद्धि कर लेते हैं, पहले आइएगा लोहितायति लोहितायते, आप परिशिष्ट में आ जाइएगा, यहां पर आपको दिए हुए, ठीक है। तीसरे अध्याय में ये एक सूत्र है, क्या है, लोहितादिडाज्भ्यश, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है। ये क्यश प्रत्यय करता है, क्या करता है, क्यश प्रत्यय। लोहितादि कुछ शब्द हैं और कुछ डाच प्रत्ययांत शब्द हैं, उनसे क्या करता है, क्यश प्रत्यय। और ये क्यश प्रत्यय बन करके धातु बन जाती है, सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सूत्र दिखा दिया, ठीक है। चलिएगा अब हम सिद्धि पर आ जाते हैं, सिद्धि आपकी पुस्तक में भी होगी, कोई परेशानी नहीं है। लोहितायति माने अलोहितो लोहितो भवति, जो लाल नहीं है वह लाल होता है, इस ये अर्थ है इसका। लोहित सु पूर्वत, इसकी क्या है, ये अर्थवा धातु प्रत्याप्राप्तकम से प्राप्त संज्ञा होकर के स्वादि उत्पत्ति करके क्या है, ये सु आ गया, ये तो अलौकिक विग्रह है, ये है इसका लौकिक विग्रह, ठीक है। हाँ, ये अलौकिक विग्रह है, ये है अलौकिक विग्रह, और ये सु आ गया पूर्व स्वादिपत्ति करके सब सूत्र लगा करके। अब लोहितादिडाज्भ्यश, इस सूत्र से लोहितादि गण में पड़ा हुआ लोहित शब्द, तो प्रथमा समर्थ से क्या हुआ, इसमें क्यश प्रत्यय हो गया, प्रत्यय परश्च माने परे हो गया, लोहित सु क्यश ऐसा हो गया। अब यहां इसकी शकित संज्ञा हो जाती है, अलंतिम तस्लोपा दर्शन लोपा लशक तदिते तस्लोपा दर्शनम लोपा। अब सनाद्यंता धातवा से क्या हो गई, इसकी पूरे की धातु संज्ञा हो गई, ठीक है, क्या हुई, धातु संज्ञा। और सुपो धातु प्रातिपद कयो हो, सुपो धातु माने धातु के अवयव सुप, इसका लुक हो गया, लुक होकर के अब क्या बना, लोहित और या, लोहित या ऐसा बना, ठीक है। सनाद्यंत धातु पैसे लगी गया, धातु संज्ञा हो गई इत्यादि। अब ये धातु बन गई आपकी सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा, लोहित या ऐसी धातु बन गई, ठीक है। अब यहां पर क्या प्राप्त था, इसको शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद प्राप्त था, शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद प्राप्त था। परस्मै पद की प्राप्ति में इसने कहा कि परस्मै पद विकल्प से होगा, एक पक्ष में आत्मनिपद भी होगा, तो परस्मै पद पहले कर लेते हैं। तो वाक्यशः से परस्मै पद का विधान होकर के लोहिताया ऐसा बन गया और तिप और शप आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा, ये इसकी संज्ञा, इसकी संज्ञा हो जाएगी पकी पकी शकी, ठीक है। यहाँ एक सूत्र है कि इस शप के परे था, यके परे रहते यहाँ पर अकृत सार्व धातु कयोर दीर्घा, ध्यान देंगे ये सूत्र वैसे यहां लगना चाहिए था, ये सूत्र यहां पर इन्होंने बाद में लगाया है, ये सूत्र यहां लगना चाहिए, यहां पर लो हिता और या इस स्थिति में लगना चाहिए, तब बाद में आएगा। ये अकृत सार धातु कयोर दीर्घा कहता है कि माने कृत संज्ञा, कृत संज्ञक से भिन्न और सार धातु संज्ञक से भिन्न
यकारादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व अंग को दीर्घ हो जाता है, तो ये या है, ये सार्वधातुक भी नहीं है, कृत संज्ञक भी नहीं है, यकार है, तो इसके परे रहते इसको दीर्घ हो गया, बस इतना ही इसका अर्थ है। अकृत सार्वधातुक कयोर दीर्घ। चलिएगा इसका मैं अर्थ भी दिखा देता हूं आपको, यहां दिया है 7/4/25, ठीक है, पूरा अर्थ ही दिखा देते हैं आपको। अकृत यकारे असार धातु का यकारे च किंगति परता अयंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। कृत भिन्न यकार के प्रत्यय के परे रहते सार धातु को भिन्न यकार प्रत्यय के परे रहते, और वो कैसे होने चाहिए, कित नित होने चाहिए, कैसे कित नित होने चाहिए, तो अजंत अंग मान पूर्व में जो अजंत अंग है उसके अंग को दीर्घ हो जाता है। अब देखिएगा यहां पर आप देखेंगे कि ये तो लोहित और या ये क्या है, कित है, ये कित था तो इसके पर रहते अजंत अंग है तो उसको दीर्घ हो गया, लोहिताय बन गया, ठीक है, लोहिताय ऐसा बन जाएगा। और ये सूत्र से विकल्प के परस्मै पद होकर के क्या बना, शपत्य आदि आकर के लोहिताय तायति ये बन गया। सारा चलिएगा अब आ जाइएगा लोहितायति, और कहते हैं कि जिस पक्ष में प्रकृत सूत्र से परस्मै पद न होकर लोहितायते लोहितायते भी इसी प्रकार बनेगा, माने परस्मै पद नहीं होगा तो क्या हो जाए, सारे सूत्र वही लगेंगे, केवल तिप प्रत्यय की जगह ता आ जाएगा, सारी स्थिति ऐसी रहेगी। ये आपका बन गया लोहिताय, और इस सूत्र से परस्मै पद ना होकर इसी से आत्मने पद हो जाएगा एक बार, तो ता प्रत्यय आ गया, और ये शप शप का आ बन गया, और टे हो गया टित आत्मने पद हम टेरे, और यहां पर अतो गुणे लग गया, पहले की तरह अतो गुणे लगेगा, तोड़े लग करके आ और आ मिल करके आई रहा, तो क्या बना लोहितायते, ये बन गया लोहितायते बन गया, ठीक चलिएगा ये बन गया आपका लोहितायते। अब पट पटायती, इसमें थोड़ा सा नया चीज है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ चीजें हो सकती है, एक आध दो सूत्र बहुत आगे के दिए हैं इसमें सिद्धि में, ठीक है, महावाश तक के सूत्र दिए हैं, तो आपको जितना समझ में आया उतना समझ लीजिएगा, आप सूत्र का प्रयोजन समझ गए, वाक्य शामान्य विकल्प करके परस्मै पद करता है, पक्षमात्मन पद करता है, ठीक। आइएगा इसका है लौकिक विग्रह होगा, पटत पटत करोती पट पटायती, माने पट पट शब्द करता है, पट 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 कुछ पक्षी आदि करते हैं तो उसको बोलते हैं पट पटायती, माने पट पट शब्द करता है, ठीक है। तो पटत शब्द है अर्थवा धातु अप्रत्यय प्रातरिकम से इसकी क्या हो गई, प्रातरिक संज्ञा हो गई, प्रातरिक संज्ञा होने से दाची द्वे भवता, ये कहता है वार्तिक है, वार्तिक तो आपको अभी पढ़ाया नहीं जा सकता, अर्थ समझ लीजिएगा, माने जिस शब्द से आगे चल के डाच प्रत्यय आने वाला है, अभी आया नहीं है, ये क्या विषय सप्तमी है, विषय माने डाची माने डाच प्रत्यय के आने के विषय में अभी आया नहीं, आने के आने वाला है, उससे पहले ही क्या होता है, जिस शब्द से डाच प्रत्यय आता है उसको दो बार उच्चारण कर देते हैं, दो भवता दो बार, तो पटत शब्द से क्या है डाच प्रत्यय आगे आने वाला है, तो पटत को क्या हो गया दो बार उच्चारण हो गया पटत पटत, ठीक है, क्या लिखा वो वार्तिक से डाच प्रत्यय के विषय में पटत शब्द को द्वित हुआ, डाची या विषय सप्तमी है, अतः डाच आने से पूर्व ही द्वित हो गया, डाच के परे रहने पर नहीं, डाच के आने के विषय में, ठीक है, पटत पटते हो गया। अब देखिएगा पटत पटत इससे द्वित्व हो गया, ये वार्तिक से। अब अव्यक्तानुकरणाद्व्यजवरार्थादनितौडाच, ये पांचवें अध्याय का सूत्र है, आप इतना समझ लीजिएगा कि ये डाच प्रत्यय करता है, ठीक है, पांचवें अध्याय में समझ में आएगा पूरा ये सूत्र। अव्यक्त माने अव्यक्त शब्द
माने अव्यक्त शब्द होते हैं, मनुष्यों से भिन्न जो शब्द है वो अव्यक्त है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता साफ साफ। तो ऐसे अव्यक्त शब्द जिनका अनुकरण माने कोई मनुष्य उनको बताता है, खटखट हो रही है, पटपट हो रही है, चटचट हो रही है, ये अनुकरण हो गया उस शब्द का। ठीक है, मानिएगा किसी ने ताली पीटी, ताली पीटी आवाज आई टट 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 टट, तो हमने कहा कि उसने ताली पीटी तो टट टट आवाज आई, तो टट टट ये क्या है, अव्यक्त शब्द है, व्यक्त नहीं है इसका अर्थ, टट टट का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। परंतु मैं किसी को कह रहा हूं कि इसने ताली पीट करके टट टट आवाज की है, टट टट आवाज की है, तो टट टट जो मैंने शब्द बोला ये क्या हो गया, अनुकरण हो गया, उस ध्वनि का अनुकरण हो गया। तो ऐसे यहां पटत पटत जो ध्वनि है पटपट उसका अनुकरण है ये। तो अनुकरणवाची अव्यक्त जो शब्द होते हैं उनसे दो अच वाला शब्द हो, ऐसा जिसके अंदर दो अच हो, दो स्वर हो, उनसे डाच प्रत्यय हो जाता है, अथवा यहां अवर शब्द है, अर्ध शब्द है, इनसे डाच प्रत्यय होता है, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, डाच प्रत्यय परस्य से ये दो अच वाला शब्द है, माने पट में आ आ माने ये ही गिना जाएगा, पूरा नहीं गिना जाएगा, ये शब्द क्या दो अच वाला है, पमे का आए टमे आए, ठीक है, और तो व्यंजन है, तो इससे डाच प्रत्यय होगा, पटत पटत डाच डाच। अब इसमें तस्य परमामृतम, यह आठवें अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है, ये कहता है कि जिसका दो बार उच्चारण हमने किया है, दो बार जिसका उच्चारण कर दिया, उसमें जो पर वाला होता है, माने इसको हमने दो बार किया तो दो बन गए पटक पटक, तो इसमें जो पर वाला है ये, इसकी क्या है व्याकरण में आम्रेडित संज्ञा हो जाती है, उसका नाम रख देते हैं आम्रेडित। ठीक है, नाम रख दिया व्याकरण का आम्रेडित। तो इस दोनों पटत में इस पटत की क्या होगी, इसकी नहीं, इसकी पटत की क्या होगी, आम्रेडित संज्ञा। और देखिएगा से उस माने तस्य परमामृतम से उस द्वित्व किए हुए पर वाले माने इस वाले पटत की आम्रेड संज्ञा हो गई। आम्रेड संज्ञा होने से नित्यम आम्रेडिते डाची, ये महाभाष्य का वार्तिक है। अब महाभाष्य तो बहुत आगे की चीज है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तब आपको, परंतु भी भाव समझिए, इससे क्या होता है, इस महाभाष्य के वार्तिक से डाच परक आम्रेडित माने डाच परे है जिसके ऐसा आम्रेडित संज्ञक शब्द के परे, उससे पूर्व वाला पटत माने ये वाला पटत, पटत के ता ये जो ता है, और उससे परे जो ये उससे परे माने पाए पा, उन दोनों को पर रूप एक आदेश हुआ। पर रूप माने इस पटत के ता पूर्व वाले के और पहले वाले पटत के पा, दोनों के स्थान में के स्थान है पर जैसा, माने जो पर का पा है प जैसा हो गया, इन दोनों को क्या हो गया, पा हो गया। ठीक, पा हो गया तो ये ता हट गया और ये पर रह गया, तो पट पटत ऐसा पट पटत, और डा डाच क्या, डाच का ये च चला जाएगा, डा भी चला जाएगा यहां पर। ठीक है, तो आ बचा ये, अब यहां पर क्या है, पट पटत ये और डा का यची भम, यची भम से क्या है, बसंज्ञा हो गई। बसंज्ञा आपको बहुत बार पढ़ा दी मैंने, माने क्या है, स्वादी भिन्न यकारादि अजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की बसंज्ञा हो जाती है। तो ये क्या है, डा है, ये क्या है, तद्धित है, स्वादी भिन्न है, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी, सॉरी क्या, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय, तो ये सर्वनाम स्थान नहीं है, स्वादी है, तो इसके आजादी है, तो इसके परे रहते इसकी बसंज्ञा हो गई पटपट की। भाष्य के अधिकार में टे है, टे से टी का लोप हो गया, अचोन्त टी, टी संज्ञा किसकी है, अत की है यहाँ पर, तो पटत पट पटत के अत का लोप हो गया, तो क्या बना, पट पट आ, ऐसा बन गया। ठीक है, पट पट आ, अब यहाँ पर ये बन गया पट पटा, और ये कैसा है, डाच प्रत्यंत है ये, इसलिए अब डाच प्रत्यंत बन गया ये, तो लोहितादि डाच अभ्याक्यश, डाच प्रत्यंत मान करके इससे क्या हो गया, कश प्रत्यय हो गया।
कैश प्रत्यय हो गया, प्रत्यय प्रश्न से एक कैश आ गया पट पट आ और कैश ये हट जाएगा, तो पट पटा तो पट पटा या दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही दीर्घ है ठीक है। यहां पर ये पट पटा आ तो दीर्घ है पहले से ही। अब पट पटा ये कैश प्रत्यय सनातन का धातु धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा होने से पूर्वत वाक्यशः, वाक्यशः से क्या है विकल्प करके परस्मै पद हो गया, परस्मै पद का शप तिप आ जाएगा, शप आ गया तो पट पटाया और आ और ती और ये अतो गुणे लग गया यहाँ पर इन दोनों में तो आ अको आई हो गया तो पट पटाया ती ये बन गया। जिस पक्ष में आता परस्मै पद नहीं हुआ इसी सूत्र से आत्मने पद का आ जाएगा, तो आत्मने पद का ता आ जाएगा तो पट पटाया ते बन जाएगा, बाकी सारा कुछ समान होगा। ये थोड़ा आपके लिए सिद्धि कठिन है परंतु आगे समझ में आएगी, परंतु आपको बस इतना समझ लेना है कि वाक्यशा माने चश प्रत्यंत जो धातु होती है उनसे विकल्प करके परस्मै पद होता है और इसी से आत्मनि पद होता है, बस इतना समझना है आपको ठीक है। चलिएगा तो ये आपका मैंने सूत्र आपका कंप्लीट करा दिया है ठीक है। तो वाक्यशा माने चश प्रत्यय धातुओं से विकल्प करके परस्मै पद होता है, पक्ष में आत्मने पद इसी से होता है, इसी से परस्मै पद होता है। चलिएगा आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे द्विध्यो लिंगी लुंगी ठीक है। तो अब आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है, आप पीछे देखने की जरूरत नहीं है आपको, आगे ही आगे बढ़ते जाना पूरे संपूर्ण शास्त्र को पढ़ने तक ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।